हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो आज मैं आपको बता दूं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आया है प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, है ना। मैं वीडियोस बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं माल्टा में, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं यूरोप में और आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आता है मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, अगर आपको अपना CV बनवाना है, कवर लेटर बनाना है जो एक्सेप्टेबल है यूरोप मार्केट में, तो मैं वो भी बनाता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं अपना रेडिफ मेल, जो मेरी मेल आईडी है वो मैं डाल दूंगा, और आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इंडिया जो है डार्क रेड से रेड कंट्री में आ गया है, तो क्या जब हम माल्टा ट्रैवल करेंगे क्या हमें क्वारंटीन की होने की ज़रूरत है, क्या हमें ज़रूरत है होटल में पे करने की 100 यूरो पर नाइट, जो कि 1400 यूरो आपका बिल बैठेगा 14 डेज़ के लिए। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ सिंपल एक वर्ड में। आई एम सॉरी बट ये है ना फैक्ट है, और मैंने इनफैक्ट कॉल भी करा है अभी आज हेल्थ अथॉरिटीज़ को, और मैं वो रिकॉर्डिंग डाल भी दूँगा आपको एज अ प्रूफ। तो आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत है होटल में स्टिल, चाहे भले ही इंडिया जो है रेड कंट्री में आ गई है। उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया कि अगर आपके पास माल्टीज आईडी कार्ड है तो आपको, आप होम क्वारंटीन हो सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़े पसीने आ रहे क्योंकि मैं वॉक करके आया था, रनिंग करके आया था, और व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा होगा मुझे, उम्मीद है आपको। नहीं चलो खैर छोड़ो, आपको मैं बता दूँ, आपको मैंने बता ही दिया है कि क्वारंटीन होने की ज़रूरत है आपको स्टिल, चाहे भले ही वो रेड कंट्री में आ गया है। और अगर आपके पास हाँ माल्टीज आईडी कार्ड है आपके पास, और आप वापसी आ रहे हो दोबारा, मतलब माल्टा में आप जॉब करते थे, आप चले गए थे इंडिया, स्टक हो गए थे, और उसके बाद दोबारा आ रहे हो माल्टीज कार्ड के साथ, तो आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है होटल में। ध्यान रखना, होटल में कौन, और आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत कहाँ पर है, आप अपने होम में हो सकते हो, होम क्वारंटीन भी हो सकते हो आप। तो ये आपको मैं काफ़ी, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि क्या इंडिया अब जब डार्क रेड कंट्री से रेड कंट्री में आ गया है तो क्या हमें क्वारंटीन होने की ज़रूरत है अगर हम माल्टा आते। तो हाँ जी, क्वारंटीन होने की ज़रूरत है आपको होटल में, और अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है, बट अगर आपके पास जो है रेजिडेंट कार्ड है तो आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही अपडेट लेने आया था मैं आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको व्यू बहुत बढ़िया लग रहा होगा, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है। स्लीमा नाम है जगह का, स्लीमा। मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूँगा आपको, है ना, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग भी डाल दिया एज अ प्रूफ, क्योंकि मैंने पहले कंफर्म करना चाहा कि पहले 100% शुरू हो जाऊँ मैं तभी डालूँ वीडियो। पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये वालेता है, कैपिटल है माल्टा की, अच्छा व्यू है काफ़ी। यहाँ बंदे अपना रिलैक्स करते हैं, यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, कुछ दो चार बंदे दिख जाएंगे आपको, कुछ यहाँ दिख जाएंगे पीछे। तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, है ना। और उम्मीद है मुझे आपको जो डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको कुछ पर्सन के डाउट्स थे कि मुझे क्वारंटीन होने की ज़रूरत है होटल में स्टिल, आई नीड टू पे, तो हाँ जी पे करना आपको। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगर सॉरी यार अगर आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, आवाज़ आ रही होगी पीछे, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में यार। और प्लीज़ हाँ सब्सक्राइब कर देना मेरा यार चैनल यार, है ना, अगर अच्छा लगे तो। वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।